बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जीवन में हर तरह के कर्म और उसके फल से शनि का सीधा संबंध होता है। आपके कर्म कैसे हैं और कर्म का फल क्या है, ये आपकी कुंडली के शनि को देख करके हम जान सकते हैं। व्यक्ति किस तरह के कर्म करेगा ये शनि निर्धारित करता है। इसलिए अगर शनि कुंडली में अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है, तो कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है, किसी तरह की बाधा नहीं आती है। लेकिन अगर शनि कुंडली में नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो रोजगार में कदम कदम पर बाधाएं आती हैं। अगर आप शनि से संबंधित सरल उपाय करते हैं तो अपने रोजगार की, खासतौर से नौकरी की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत विशेष विधि विधान करने की जरूरत नहीं है, आप सरल उपाय करेंगे उससे भी आपको लाभ जरूर होगा। देखिए, अगर आपको नौकरी मिल ही ना पा रही हो, उसकी समस्या तो दूर करेंगे बाद में, पहले नौकरी मिले उसके लिए क्या करें। शुक्रवार को रात में काले चने आप पानी में भिगा लीजिए और शनिवार को सुबह इसको केवल सरसों के तेल में पकाइएगा, इसमें नमक मसाला कुछ मत डालिएगा। इसके बाद इसको शनिवार को किसी पशु को खिला दीजिए, गाय को, भैंस को, जिसको भी संभव हो किसी पशु को खिला दें। और ये प्रयोग 3 शनिवार को दिन के समय में आप करें। इसको मोती दान करना कहते हैं। जब आप ऐसा प्रयोग लगातार 3 शनिवार बैक टू बैक करेंगे तो आपकी नौकरी की व्यवस्था निश्चित रूप से हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बढ़िया ही नौकरी मिले, लेकिन जीवन चलने लायक नौकरी की शुरुआत इस उपाय को करने से जरूर हो जाएगी। नौकरी मिल गई है, बहुत समय से करते हैं, योग्यता ज़्यादा है, कॉम्पिटेंट ज़्यादा हैं, लेकिन उस योग्यता के हिसाब से फायदा नहीं हो रहा है, क्या करेंगे। शनिवार की शाम को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, स्टील की कटोरी हो या लोहे की कटोरी हो, उसमें बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर डाल करके शनि मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद जब वो तेल अभिमंत्रित हो जाएगा, 108 बार मंत्र जपिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद उसी तेल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा दीपक जला लीजिएगा। ये प्रयोग भी आपको 3 शनिवार की शाम को करना है। आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलने की स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। बहुत बार ये समस्या होती है कि नौकरी चल रही है, ठीक चल रही है, लेकिन सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा, सालों से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, एक ही जगह पर तरक्की रुक गई है, क्या करना चाहिए। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें, पेड़ की जड़ में आमतौर पर चींटियां रहती हैं, तो पार्क में जाकर के पेड़ की जड़ में थोड़े से आटे डालना शुरू करिए और मछलियों को आटे की गोलियां डालिए। ऐसा शनिवार को या तो सुबह सुबह या तो शाम के समय करना शुरू कर दीजिए और शनिवार को मीठी चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ये प्रयोग आप हर शनिवार को लगातार लंबे समय तक करते जाइए। अगर नौकरी में बहुत समय से प्रमोशन नहीं हुआ है, अगर नौकरी में बहुत समय से उन्नति नहीं हुई है, तो वो उन्नति आपकी निश्चित रूप से हो जाएगी। आप नौकरी करते हैं, नौकरी बढ़िया है, चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ स्थितियाँ बहुत फेवरेबल नहीं हैं, या आप अपने घर के पास जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या उपाय करेंगे। हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में दीपक आपको जलाना होगा। दीपक जलने के बाद दीपक के पास खड़े होकर या बैठकर शनि चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा। ये प्रयोग लगातार 3 शनिवार या और भी ज्यादा समय तक आप कर सकते हैं, आपका स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा।